अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे जिंगर चीज़ बर्गर। बड़े ही मज़े के, बड़े ही ज़बरदस्त, बहुत ही लेवल के तैयार होते हैं। इनको बनाना नहायत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना है 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा, चिकन का साइज़ आप देख लें, ये मैंने बोनलेस चिकन लिया। अब ये साइज़ देख लें इसका, ये तकरीबन सारा 800 ग्राम चिकन है। ये देखें, ये चिकन का साइज़ देख लें। और इसमें आपने ना मैरिनेट करने से पहले, सबसे पहले इसमें फोक की मदद से आपने इसमें पहले ना सबसे पहले सुराख कर लेना है। वो किस तरह से करना है वो आप ज़रा गौर से देख लें। इस तरह से आपने ना चिकन में ना सुराख कर लेना है, ताकि जो मसाला जो होगा ना वो अंदर तक घुस जाए। इस सारे चिकन पे ना आपने इसी तरह से ही फोक की मदद से आपने बीच में सुराख कर लेने हैं। अच्छा, ये देखिए चिकन में हमने अच्छी तरह से सुराख कर ली है फोक की मदद से। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। 1 चम्मच नमक लेना आपने, 2 चम्मच आपने ब्लैक पेपर ले लेने हैं, यानी कि काली मिर्चें। अच्छा, 2 चम्मच आपने सिरका ले लेना है। अच्छा, 2 चम्मच आपने चिली सॉस ले लेना है। 2 चम्मच आपने सोया सॉस ले लेना है। अच्छा, अब आपने ना इसको मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छा, ये देखिए चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए, ये देखें। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। आपको 3 से 4 घंटे बाद मिलते हैं। अच्छा, ये हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन आ गया, और ये हमने मैदा ले लिया है, और ये पानी आ गया। अब हमने क्रम्स बनाने हैं। क्रम्स बनाने के जो तरीका कर रहे हैं, सबसे पहले आपने चिकन उठाना है, मैदा लगाना है, मैदा लगा के फिर पानी में इसको आपने डिप करना है, फिर फौरन निकाल के फिर इसमें मैदा लगा के फिर एक अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे। आपने स्टेप वाइज वीडियो ध्यान से देखनी है। अब यहाँ से सबसे पहले चिकन उठाएंगे और ये मैदे में डिप कर देंगे, अच्छी तरह लगाना है। अब इसको पानी में डिप कर लेना है आपने। थोड़ी देर डिप करेंगे, फौरन निकाल के ना फिर दोबारा आपने मैदे में डाल लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से मैदे में ना प्रेस करेंगे, आप अच्छे से ज़बरदस्त क्रम्स बन जाएंगे। ये देखें, क्रम्स चेक करें आप, कितने ही लेवल के क्रम्स बने। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, जब ये फ्राई होंगे ना फिर और ज़बरदस्त क्रंची क्रंची हो जाएगा सिस्टम। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। अच्छा यार, ये 1/2 लीटर ऑयल ले लिया है। इसको ना आपने अच्छी तरह से गर्म करना है, अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। फिर आपने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है, ये आपने चिकन इसमें डाल लेना है। जब आप चिकन डालेंगे तो फौरन ही आँच आपने लो कर देनी है, फिर उस लो फ्लेम पर आपने पकाना है अपने चिकन को। अच्छा, ये ऑयल, ये देखिए इस तरह से ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ये देखिए ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम अपना चिकन ऐड कर लेते हैं। ये इसके क्रम्स देखिए, और ये देखिए सारा चिकन हमने डाल दिया बीच में अपनी कढ़ाई में, और ये देखिए आग देखिए कितनी हल्की है। अब इस आग पे आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाना है। ये देखिए चिकन का कलर जो है ना हल्का हल्का से चेंज हो रहा है, ये क्रम्स आप देखें। अभी तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट पकाया, 3 से 2 मिनट और पकाऊंगा, फिर इसकी मैं ना साइड चेंज कर लूँगा। ये देखिए, ये देखिए चिकन का अच्छा खासा कलर चेंज हो गया। अब हम इसकी ना साइडें चेंज कर लेंगे। तो आपने 3 से 4 मिनट ना दूसरी साइड पकानी है, फिर हम चेक करेंगे कि चिकन कितना गल गया है। उम्मीद उसका खासा गल गया होगा।
ये देखिए चिकन की साइड चेंज हो गई है, अब आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाना है बस यहाँ पे। ये देखिए चिकन हमारा कुक हो गया 100%, अब हम इसको ना डिश आउट कर लेंगे। अच्छा अब हम बनाएंगे अपने जिंगर बर्गर, ये बन हमारे आगे। आपने बन को बस एक आधा मिनट या 20 सेकंड्स जो है ना आपने हल्का सा इनको सेक लेना दोनों साइड है ना, ताकि नरम हो जाए, फ्रेश हो जाए। और ये मायनीज है, ये मैंने खुद तैयार की है, ये मैं इंशाल्लाह आपको सही रेसिपी शेयर करूँगा। ये हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई, ये देखिए, और ये नरम हो गया, ये इसकी अपसाइड आ गई। देखिए किनारे देखे ना, बिल्कुल थोड़े थोड़े से ब्राउन हुए हैं और ये बड़े अच्छे नरम हो गए। इसी तरह से आपने अपने सारे बन तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले मायनीज आएगी, ये आपने चारों बन पे लगा लेनी है। ये इसकी डाउन साइड, ये इसकी अपसाइड। ये हमारी मायोनीज आएगी, अब हम इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस लगा लेंगे, आप टोमेटो केचप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब इसके बाद बंद गोभी आ जाएगी, ये हमारी बंद गोभी आ गई। ये हमारा चिकन आ गया, इसके क्रम्स देखें आप, बहुत ही क्रंची बना है यकीन करें। ये जलो पीनट्स आ गई, ये आप जितना स्पाइसी करना चाहते हैं, मैं तो ज़्यादा स्पाइसी खाता हूँ तो मैं 3 से 4 डालूँगा। अब हम इसमें ऑलिव ऐड कर लेंगे, ये चीज स्लाइस आ गया हमारा। ये देखिए हमारे बर्गर तकरीबन तैयार हो गए, ये ऊपर से चीज स्लाइस आ गई, ये देखिए बर्गर की फाइनल लुक देखिए आप। ये देखिए हमारे बर्गर 100% बिल्कुल तैयार हो गए, ये देखिए बड़े ही मजे की, बड़े ही जबरदस्त बर्गर तैयार हुए। ये देखिए जिंगर चीज स्लाइस बर्गर, ये देखिए। तो अब आपने ना इनको हल्का हल्का सा ना सेक दिला देना है ऊपर, दोनों साइडों से ना हल्की हल्की से सेक दिला देंगे, ताकि अंदर जो सारी चीज़ें ना वो एक दफ़ा बिल्कुल फ्रेश हो जाए। सिर्फ आपने 20 से 25 सेकंड इसको ना पहले एक साइड पे सेक दिलाना, आप दूसरी साइड पे सेक दिलाएंगे, ताकि चीज़ भी अंदर से हल्की सी ना मेल्ट हो जाए। अच्छा ये देखिए, ये हमारे बर्गर जो है 100% कुक हो गया, बड़े ही मज़े के, बड़े ही लेवल के तैयार हुए हैं। ये देखें, ये आप चेक करें इसमें ना स्लाइस, देखें ये देखें, इसके ना ख़ास तौर पे ना क्रम्स चेक करें आप ना चिकन के, बहुत ही क्रची, बड़े ही लेवल, बड़े ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।